मर्सिडीज बेंज एस क्लास अपने सेगमेंट में रूल करती है अनडाउटली। सो 350 है, ये पेट्रोल इंजन है। सबसे अच्छी बात ये है गाड़ी 2012 मॉडल है, मोटा मोटा 10 साल हो गए हैं गाड़ी को, 5 साल दिल्ली एनसीआर में आप और चला सकते हैं आराम से। इसमें जो चीज़ एक मैंने नोटिस करी थी, दोनों दरवाज़ों के कलर में देखिए आपको फ़र्क दिख जाएगा, तो इससे पता चलता है कि आगे वाला दरवाज़ा पेंटेड है हमारा। यहाँ से देखिए आपको फ़र्क दिख जाएगा कि एक दरवाज़ा जो है वो पेंटेड है, पीछे जो है वो ओरिजिनल है, ये दरवाज़ा पेंटेड है। और यहाँ पे जो ये है हमारा फेंडर, ये ओरिजिनल लग रहा है मुझे, बोनट इसका ओरिजिनल लग रहा है मुझे, छत इसकी ओरिजिनल है, ये वाला दरवाज़ा ओरिजिनल लग रहा है मुझे। बाकी और चेक कर सकते हैं हम, ये वाली पेंट, ये वाला क्वार्टर पैनल ओरिजिनल है, ये क्वार्टर, ये जो डिग्गी है वो ओरिजिनल है, ये वाला क्वार्टर पैनल भी ओरिजिनल है। और ये दोनों इन दोनों दरवाज़ों में भी फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वाला दरवाज़ा जो है ये पेंटेड है, ये ओरिजिनल है, और ये भी आई गेस पेंटेड है। तो गाड़ी के अंदर तीन पीस पेंटेड आप मान सकते हैं। ये जो इसका बम्पर है ये यहाँ से लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रैचेस लगे हुए हैं, बट दैट्स ओके, 2012 मॉडल है, इतना होना भी चाहिए। फ्रंट की जो ग्रिल है वो अच्छी कंडीशन में है, लोगो जो है वो इंटैक्ट है, और यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स मिल रहे हैं हमें, वो इंटैक्ट लग रहे हैं मुझे। और LEDs यहाँ पे आपको LEDs मिल रहे हैं, ये इंटैक्ट हैं। एक जगह मैंने इसका बम्पर और क्रैक देखा था, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसकी ग्रिल्स हैं ये पेंटेड हैं, ये निकल गई होंगी, तो ये कस्टमर ने पेंटेड लगवाई होंगी। टायर्स आप देख सकते हैं, टायर्स जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। टायर्स इसके चल सकते हैं अभी अप्रॉक्सीमेटली और मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार किलोमीटर आपके निकाल सकते हैं। 235/55 R17 इंचेस के अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ जो हैं वो अच्छी कंडीशन में है, डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। बाकी ये जिनकी गाड़ी है उनका अपना खुद वो फर्नीचर का काम है, तो वो कस्टमर की गाड़ी है इसलिए ऐसी कंडीशन में है, क्योंकि कस्टमर ये यूज़ कर रहे हैं। अभी उनकी फैमिली मेम्बर ये गाड़ी लेकर आए हैं मेरे पास में कि इसकी वीडियो बनानी है, उन्होंने कहा आपने कि हमने वीडियोज़ देखी हैं, चैनल देखा है, तो हम चाहते हैं आप हमारी गाड़ी बेचें, तो उनके फैमिली मेम्बर गाड़ी लेकर आए हैं, तो इसलिए ये जो मैंने आपको कमियाँ बताई हैं कस्टमर की गाड़ी है, और ये इसलिए आपको सस्ती भी मिल जाएगी, दो पैसे सस्ती मिल जाएगी, तो आप गाड़ी को तैयार करा सकते हैं। वही गाड़ी डीलर के पास मिलेगी आपको ज़्यादा पैसों में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम फिल्ड ग्लासेस मिल रहे हैं, ये एक OEM फिटमेंट है जो मर्सिडीज़ में कॉस्ट करती है अपने आप में 4.5-5 लाख रुपये। इसके ऊपर चालान नहीं कर सकता इन शीशों के ऊपर, क्योंकि ये OEM फिटमेंट है, हीलियम फिल्ड ग्लासेस इनको कहा जाता है। यहाँ पे जो है ये हमें स्क्रैचेस देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट्स ओके, आप चाहें तो इसे दोबारा पेंट करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लू एफिशिएंसी है ये, जो चीज़ आप पेंट कराना चाहें वो आप करा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये इसका बम्पर ये निकला हुआ है कोना, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके एयरमैटिक सस्पेंशन भी आपको बलून्स चेंज कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब आएंगे आप ये चीज़ें तब अपने आप भी ऑब्जर्व करेंगे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जेन्युइन और अनबायस्ड रिव्यूज़ दूँ। तो कस्टमर की गाड़ी है, मैंने उनको पहले ही बताया कि सर मैं वीडियो उसी शर्त पे बनाऊंगा कि जो मैं अपनी आंखों से अभी देख रहा हूँ वो मैं अपने कैमरे में भी दिखाऊंगा, मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। आप प्राइस उस हिसाब से मांगिए कि ये जो रिफर्बिशमेंट कॉस्ट है या तो आप इसको करा के दे दीजिए, या फिर जो लेंगे आगे बायर मेरे वो अपने आप करा लेंगे, आप उस हिसाब से प्राइस कर दीजिएगा। तो प्राइस पॉइंट पे अभी तक उनसे बात बन नहीं पाई है, लेकिन मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, जो प्राइस आपको ठीक लगता है आप अपना कोट करके बताइएगा मुझे। बाकी हमें ये वाली डिग्गी जो है इस पर हमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, बम्पर पे कुछ नहीं कराना, लाइट्स इंटैक्ट हैं, ये वाला फेंडर इंटैक्ट है, ये वाला फेंडर इंटैक्ट है। एयर बलून्स का इसमें जो है काम हो सकता है 50-55 हज़ार रुपये का हो सकता है, एक ही बलून की ज़रूरत है पीछे वाले। फ्रंट में आप देखिए ये लाइट्स मिलती है, जैसे हम गाड़ी ऑन करते हैं ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मर्सिडीज बेंज एस क्लास इज़ द मोस्ट लग्जरी सेडान विच आई हैव चेक्ड राइट नाउ। और आज की जो मर्सिडीज एस क्लास है वो तो बवाल है, बवाल है वो गाड़ी, और उसके ऊपर जो माइबा है वो उससे भी ख़तरनाक गाड़ी है। खैर हम बात करते हैं वो गाड़ी की जो हम ले सकते हैं, जो हमारे बजट में आती है। डिटेल्स आपको एक बारी बता देता हूँ, 2012 मॉडल है ये, और 9th मंथ की रजिस्टर्ड है, 10 साल गाड़ी को हो गए, मोटा मोटा 5 साल दिल्ली एनसीआर में आप और चला सकते हैं। गाड़ी मैकेनिकली बिल्कुल ट्यून्ड है, छोटी मोटी कमियाँ वो मैंने आपको पहले बता दी है। ओनर थर्ड है, पहले सेकंड ओनर थी ये, फिर कंपनी टू कंपनी में ट्रांसफर हुई है, इसलिए थर्ड ओनर है। डायरेक्ट RC पेमेंट है, जिन कस्टमर की है उन्हीं से आपकी मीटिंग कराई जाएगी, उन्हीं को आपने पेमेंट करनी है। तो इसका आस्किंग प्राइस अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं कराया, उन्होंने कहा कि आप वर्किंग करके बताओ। तो ये मैं अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर्स को देता हूँ ये मौका कि आप बताएं सर इसका क्या प्राइस होना चाहिए। 2012 मॉडल पेट्रोल थर्ड ओनर वैलिड इंश्योरेंस 5 साल की लाइफ है, पेट्रोल इंजन है, सिल्वर विद ब्लैक इंटीरियर्स हैं, एयर सस्पेंशन का मैंने आपको बता दिया है, बॉडी लाइन से मैंने आपको गाड़ी बता दी। एक बारी अंदर आपको दिखा देता हूँ, इंटीरियर्स बहुत नीट एंड क्लीन है इसके,
ये देखिए इंटीरियर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इंटीरियर्स में किसी तरह की भी कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वुडी फिनिश में है, यहाँ पे क्रोम है, यहाँ सीट्स के बटन्स हैं, 8-way एडजस्टेबल है, पावर सीट्स वर्किंग कंडीशन में है। हेडरेस्ट भी देख लेते हैं वर्किंग है, देखिए हेडरेस्ट भी वर्किंग कंडीशन में है इसका। और यहाँ पे मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील है वुडन फिनिश के साथ में, टिल्टेड टेलीस्कोपिक है ये, यहाँ पे सारे बटन्स मिल जाते हैं। सेंटर का जो सिस्टम है वो वर्किंग कंडीशन में है, मीटर इसका चल रहा है, एसी वगैरह हम टेस्ट ड्राइव के दौरान चेक कर लेंगे। लेदर अपहोल्स्ट्री मिल रही है आपको, हेडलाइट्स वगैरह अच्छी कंडीशन में है। पीछे वाली सीट भी आपको एक बार दिखा देते हैं, पीछे वाली सीट भी आप देख सकते हैं, पीछे वाली सीट भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। कस्टमर की गाड़ी का ये फ़ायदा होता है कि वो बाहर से शायद थोड़ी गंदी हो सकती है या थोड़ा बहुत स्क्रैचेस हो सकते हैं, लेकिन गाड़ी मैकेनिकली कस्टमर्स जो होते हैं वो अपनी बिल्कुल ठीक रखते हैं, क्योंकि फैमिली ने उसमें ट्रैवल करना है तो फैमिली को कोई नहीं चाहता कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक्सेस से फ्रिज मिल रहा है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। फ्रिज आपको यहाँ पे मिल रहा है एक छोटा सा। यहाँ पे स्क्रीन्स मिल रही हैं, ये भी वर्किंग कंडीशन में है, ये भी चलती हैं, जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऑन हो जाएंगी। स्क्रीन्स जो हैं वो अभी ऑन नहीं हुई हैं, लेकिन आई एम श्योर वर्किंग कंडीशन में होंगी, जब आपको गाड़ी दी जाएगी तो स्क्रीन्स चलती हुई देंगे। और यहाँ पे जो इसके कर्टेन्स हैं ये हम देख लेते हैं, ये देखिए कितने स्मूथली जा रहे हैं, बिल्कुल नीटली आपके इसके कर्टेन्स जा रहे हैं। दोनों कर्टेन्स आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों कर्टेन्स यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, दोनों कर्टेन्स वहाँ से भी ऑपरेट हो सकते हैं। फिर इसी बटन से आप मिरर भी नीचे कर सकते हैं, और ये देखिए मिरर भी इसी से बटन से ऑपरेट होगा। और देखिए स्पीड देखिए मिरर की कितनी अच्छी स्पीड है, इससे पता चल रहा है कि गाड़ी वेल मेंटेन्ड है। ये देखिए जैसे जाना चाहिए वैसे जा रहा है, बिल्कुल शीशा अपने आप। पीछे वाला कर्टेन जो है वो भी इसका वर्किंग कंडीशन में है, वो भी मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा पीछे का कर्टेन भी एक बारी दिखा दें। पीछे का कर्टेन भी अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। रूफ जो है इसकी कहीं से लटक नहीं रही है, लेकिन हावेवर यहाँ पे शायद बारिश का पानी आया है तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी जो है ये बट ये कवर हो जाएगी। ये 10-12 हज़ार रुपये में इसकी रूफ़ बन जाती है, पानी कहीं से आया होगा तो इसलिए वो रूफ़ ख़राब हो गई है। यहाँ से बैठ के मुझे दिख रहा है कि दरवाजे वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, चेंज नहीं हुए। ये देखिए कितना प्यार से आया है, इससे पता चलता है कि गाड़ी जो है वो रफ़ यूज़ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट में सामान रखने की जगह मिलती है, ये भी देखिए आर्मरेस्ट में जगह मिलती है, यहाँ पे अंदर भी आर्मरेस्ट में जगह मिलती है। सॉफ्ट टच डोर्स देख लेते हैं कि चारों वर्किंग कंडीशन में, ये सॉफ्ट टच चल रहा है बिल्कुल, ये वाला सॉफ्ट टच, ये वाला सॉफ्ट टच भी चल रहा है। एक बार इंजन हुड आपको खोल के दिखाते हैं, उससे पहले चारों सॉफ्ट टच मैं चेक कर लेना चाहूँगा आपको गाड़ी दिखाने से पहले। ये भी हमारा वर्किंग कंडीशन में है, ये भी वर्किंग कंडीशन में है, तो चारों सॉफ्ट टच डोर्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है वो इसका ओरिजिनल है, वर्किंग कंडीशन में है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जाना चाहिए वैसे जा रहा है। एक बार हुड खोल के इसका हुड खोल के देखते हैं कि इंजन की क्या हालत करी हुई है, देखते हैं एक बारी। इंजन की हालत देखिए, इंजन की हालत अच्छी है, कस्टमर ने हमेशा जो है गाड़ी सर्विस कंपनी से कराई है, उनका ये कहना है, उनके पास सारे बिल्स हैं और उन्होंने बहुत कम चली गाड़ी ली थी, जब ली थी उन्होंने मेंटेन करके रखी है। बैटरी अच्छी कंडीशन में है, टायर्स अच्छी कंडीशन में है, इंजन अच्छी कंडीशन में है, V6 इंजन इसके अंदर मिलता है हमें, ठीक है। एक बार इंजन का आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ और साउंड सुनाता हूँ, जो मेरे दूर के कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये, तो एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाड़ी के अंदर किसी तरह का भी कोई एरर शो नहीं कर रहा है, जो कि जनरली पॉपअप कर जाते हैं अगर स्टेयरिंग का एरर होता है या एरोमेटिक का प्रॉब्लम होता है। यहाँ से आप देखिए गाड़ी के सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको किस तरह के कंट्रोल्स चाहिए वो सारी आप सेटिंग्स कर सकते हैं, और एम्बियंट लाइटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, टू वे प्रोटेक्शन, यहाँ पे वीडियो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था पीछे वाला वीडियो आपको चला के देंगे, टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है टेलीफोनी आता है, नॉट द इसमें म्यूज़िक कनेक्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से डिवाइस लेना होगा। FM वर्किंग कंडीशन में है, और जो हमारा AC है AC का थ्रो बहुत अच्छा है, वुडन फिनिश बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, रिजर्व फ्यूल का इसमें इंडिकेशन आ रहा है और किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, और बाकी टेस्ट ड्राइव के दौरान हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी कंडीशन कैसी है। वैसे देखिए पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो ज़्यादा दुखी नहीं करते हैं, और मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास जो है बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है, और इस सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑडी A8 में जाना चाहते हैं या 7 सीरीज़ में जाना चाहते हैं, तो नंबर 1 ऑफकोर्स मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास आती है, और नंबर 2 पे BMW 730 LD आती है। ऑडी 8 भी की अपने आप में बहुत कम थी, तो इसलिए उसके इतने रिव्यूज़ हैं नहीं, बट ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ फ्रेंड्स, और लग रहा है मुझे कि मतलब निकले हैं सोफ़ा सीट्स पे बैठ के एक 7-star प्रॉपर्टी के अंदर बैठे हैं, सेफ गाड़ी के अंदर बैठे हैं। टैंक है ये बेसिकली, आगे इतना लंबा बोनट, पीछे इतनी लंबी डिग्गी,
बहुत अच्छा है इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है, ऑफ कोर्स सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं, 6 एयरबैग्स हैं, ABS है, EBD है और हर तरह के इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स जो 2012 में डाले जा सकते थे वो हैं। सनरूफ देख लेते हैं वर्किंग कंडीशन में है। हाँ जी, सनरूफ बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, अच्छे से चल रही है सनरूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वापस आते में भी सही से आ रही है, वापस थोड़ा रुक रुक के आ रही है, बट वो ऑयलिंग ग्रीसिंग होकर हो जाएगी, दैट्स ओके, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो, दैट्स ओके। पुरानी गाड़ी में मतलब कस्टमर की गाड़ी में ना देखिए छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, उन्हीं दिक्कतों को निकाल के डीलर्स जो हैं वो रेट कम लगाते हैं, फिर उन गाड़ियों को तैयार कराते हैं और फिर उन गाड़ी के मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। तो आप डायरेक्टली कस्टमर से अगर लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कस्टमर से डील कर लो। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में दिखा सकूँ। एक मैंने 2012 एक और मेरे पंजाब के कस्टमर हैं उनकी गाड़ी की भी वीडियो बनाई थी, वो भी अवेलेबल है मेरे चैनल में और कैटलॉग में, उसका भी लिंक है। साइड मेरा कैटलॉग रन कर रहा है जिसमें आपको हर गाड़ी की 10 फोटोग्राफ्स, डिटेल्स, आस्किंग प्राइस सब कुछ मिल जाएगा। और वहीं से आप इसकी एक नीचे यूट्यूब वीडियो लिंक है, आप आराम से उसकी वीडियो भी देख सकते हो वहीं पे आराम से। और उसके बाद में जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है उसके लिए आप मुझसे इंक्वायर कर सकते हो। अगर आपकी एस क्लास है, जैसे एक कस्टमर है, इन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने कहा आप हमारी गाड़ी की भी वीडियो बनाओ, मैंने कहा सर बनाएंगे, लग्जरी कार है, आपके नाम रजिस्टर्ड है, बोले यस, मैं कहा बनाएंगे सर। प्राइस पॉइंट को लेके उनके माइंड में भी किसी तरह की कोई सेटलमेंट नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा मैं गाड़ी दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, प्राइस जो मेरे पास में आएगा मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से, जो मुझे प्राइस आएगा, जो हाईएस्ट ऑफर होगी, जो टॉप ऑफर होगी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो कस्टमर है कहते हैं हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, और जिसके नाम पे गाड़ी है उसी के साथ में बैठ के आपकी डील कराऊंगा। आप प्लीज़ किसी तरह का भी ये अपने माइंड में मत लाना कि प्राइस नहीं बताया वीडियो में, क्योंकि मैं कोई प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनके मन में खुद अभी अनसर्टेनिटी है। लेकिन हाँ, दिवाली का टाइम आ रहा है, गाड़ी उन्होंने बेचनी है, और अगर आपको नहीं बेचेंगे तो किसी डीलर को बेच कर निकल जाएंगे या किसी और कंपनी को बेच देंगे गाड़ी, या जहाँ से नई गाड़ी ले रहे हैं उनसे, उनको दे देंगे। दिवाली का टाइम है, गाड़ी उन्होंने बेचनी है क्योंकि नई गाड़ी उन्होंने प्लान कर ली है, फाइनल कर ली है। तो आप अपनी जो बेस्ट ऑफर हो सकती है वो मुझे दें। AC का थ्रो बहुत अच्छा है, AC बहुत अच्छा काम कर रहा है, गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, 0-100 एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, गाड़ी के अंदर मुझे माउंटिंग में कोई काम नहीं लगा है, गाड़ी के मुझे सस्पेंशन में कोई काम नहीं लगा है, जो पीछे लगा था एयर बलून का, जो पीछे से गाड़ी बैठी हुई थी वो लगा था। मेरी यहाँ पे अपनी वर्कशॉप है फ्रेंड्स, आप चाहें तो मैं इसको पूरा ठीक करा के भी आपको दे दूंगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मोटा मोटा आप सारा इस गाड़ी को रेडी कराने का जो एस्टिमेट है, इंक्लूडिंग दिस, ये जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा पील ऑफ हो गई है इसकी रूफ, और इंक्लूडिंग एयर सस्पेंशंस, और इंक्लूडिंग रबिंग, बफिंग, डिटेलिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड एवरीथिंग, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स एंड दैट पेंट, अगर कोई चीज़ पेंट होनी है तो वो, इंक्लूडिंग सब कुछ मिला के मेरे ख्याल से 1.5-1.5 लाख रुपए में गाड़ी रेडी हो जाएगी, बिल्कुल टिच हो जाएगी 1.5-1.5 लाख रुपए में। वो आप मुझे दे सकते हैं काम, वो मैं आपका करा के दे दूंगा। बाकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, और वो गाड़ी चला रहे हैं तो ऑब्वियसली वेल मेंटेन गाड़ी ही चलाएंगे अपने आप, कोई ऐसी गाड़ी तो कोई चलाएगा नहीं। तो अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग लिंक देखें और वहां से आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें, देखें ये गाड़ी अवेलेबल है तो मुझे व्हाट्सएप करें, और अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर ये गाड़ी नहीं तो हो सकता है कोई और गाड़ी मैं आपके लिए ढूंढ के लेकर आऊँ। और अब आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ऊपर वाले की दुआ है, करम है कि मैं रोज़ दो गाड़ियों की वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आपके लिए कोई ना कोई गाड़ी अच्छी ढूंढ के ले आऊँगा। और मैं इस इंटेंट से ये वीडियोस बनाता हूँ फ्रेंड्स ऑनेस्टली, कि मैं अनबाइज रिव्यूज़ दूँ, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं और मैं आपको कोई चीज़ गलत ना बताऊँ वीडियो में, जो चीज़ें बताई हैं वैसी आपको गाड़ी मिले, वैसी आपको उसकी परफॉर्मेंस मिले। प्राइस बिल्कुल रीजनेबल मांगता हूँ मैं अपनी वीडियोज़ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दिवाली तक कोशिश है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, तो एक दिवाली धमाका कर देंगे कुछ बढ़िया सा। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।